हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 8, जो कि आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है, कंट्रोलिंग का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर में से आपके पास कंसेप्ट ज्यादा नहीं है और एक क्वेश्चन आपके पास कंफर्म आता है, राइट? तो चलिए आज हम इसके बारे में इसकी मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा टाइम लेकर आपको ये बताना चाहेंगे कि विभा क्लासेस के दो और चैनल हैं, आपके प्रिया मैम के दो और चैनल हैं जो आप चैनल लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऑरिमिक्स चैनल जिसमें आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और अगर आप लॉ सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक आप सीएस या सीए की प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं और आपको क्विक रिविजन के तौर पर फटाफट से आपको लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज लेनी है, या आपके ब्रदर एंड सिस्टर, तो आप जो है वो लॉ चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनएलबी एक्सप्लोरर के नाम से वो चैनल है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या मीनिंग होता है कंट्रोलिंग का। तो देखिए, अगर आपने पढ़ा हो कि मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है, तो याद रखिएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, तो कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरी बुक, फर्स्ट बुक ही इस पर है आप लोगों की, कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, यानी वो क्या काम करता है। वो बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करता है, जिसे अलग से कोई फंक्शन मेंशन नहीं कर रखा। पहला फंक्शन मेंशन है प्लानिंग, जिसमें हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। जो गोल हमने सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, दैट इज व्हाट प्लानिंग, राइट? और उसके बाद आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि उस प्लान को अचीव करने के लिए कितनी एक्टिविटीज आपके ऑर्गेनाइजेशन को करनी पड़ेंगी और उस हिसाब से क्या डिपार्टमेंट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को नीडेड है, राइट? फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टाफ अपॉइंट करते हैं, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजिंग में समझ लीजिए कि सामान इकट्ठा कर लिया, मशीनें इकट्ठी कर ली, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए आपको लोग भी तो चाहिए ना। और डिपार्टमेंट बनाते वक्त आपको यह भी समझ में आ गया कि किस पोजीशन के लिए कितने लोग चाहिए, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो कौन से प्रोसेस में हो गया आपके पास, ऑर्गेनाइजिंग में। देन यू नीड अ ह्यूमन रिसोर्स, जो कि कहां पर आएगा, कौन से फंक्शन में आएगा, स्टाफिंग के अंदर, राइट? तो प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्स को राइट पर्सन को राइट प्लेस पर जो है वो पुट करते हैं। उसके बाद आप डायरेक्शंस की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। डायरेक्टिंग का हमने जो कीवर्ड्स पढ़े थे, गाइडिंग और इंस्ट्रक्टिंग, ठीक है ना? और अगर बात करी जाए कि काम कहां से स्टार्ट होता है, तो डायरेक्टिंग ही वो जगह है जहां से काम, डायरेक्टिंग ही वो स्टेप है जहां से एक्चुअली में जो काम है वो इनिशिएट होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी है और इंपॉर्टेंस भी है कि डायरेक्टिंग बेसिकली इनिशिएट द एक्शन। उससे पहले क्या होता था, सिर्फ आपने ब्लूप्रिंट तैयार करा, ऑर्गेनाइजिंग में आपने सामान इकट्ठा करा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा, फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स बुला लिया। लेकिन जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को डायरेक्शन नहीं दोगे कि भाई आप ये उठाओ और ये काम करो, आप ये उठाओ और ये काम करो, तब तक काम नहीं होगा। जैसे आप कोई भी अपने आसपास अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता हुआ काम देखेंगे, तो ठेकेदार ने मान लीजिए ईंट पत्थर जो भी रेत है सब इकट्ठा कर लिया, तो वो ऑर्गेनाइजिंग हो गया, उसने डिसाइड किया क्या क्या काम करना, राइट? उसके बाद उसने जब वर्कर्स को भी अपॉइंट कर लिया कि वर्कर्स कितने चाहिए मुझे इस काम को करने के लिए, लेकिन जब तक वो ठेकेदार उन वर्कर्स को ये नहीं बताता, लेबर को ये नहीं बताता कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तब तक काम इनिशिएट नहीं होता। तो चलिए, डायरेक्टिंग भी हो गई, जिसमें आप गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सब चीजें आप लोग पढ़कर आए हैं, और इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर पूरा आपको बिजनेस स्टडीज का पूरा अब तक का कोर्स मिल जाएगा, डियर। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, कंट्रोलिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, रीचेक करते हैं जो प्लान में आपने स्टैंडर्ड तय किया था, क्या वाक्य में आपकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। और ये बहुत जरूरी है अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को वाक्य में इंप्रूव करना चाहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के ही एग्जाम से ले लेते हैं। अब जब आपने क्लास 12 स्टार्ट करी थी, तब आपने कुछ एक स्टैंडर्ड तय करा था और पूरे साल के लिए प्लान करा था। लाइक सबसे पहले तो आपने अपना गोल रखा था कि मुझे 12th में इतना परसेंट मार्क्स चाहिए या मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए एडमिशन के लिए, राइट? तो यहां पर आपके पास क्या हुआ, आपने अपना गोल सेट करा। अब आप प्लानिंग करते हो उसके लिए कि मैं इतना टाइम जो है अपने सब्जेक्ट को दूंगी, यहां पे ट्यूशंस लगाऊंगी, ये सब चीजें आपकी प्लान हो गई। ऑर्गेनाइजिंग भी आपने अपनी बुक्स ले ली, और जो भी है आपने टीचर्स कौन कौन से कोचिंग में आप क्या क्या पढ़ेंगे या कौन सा आप स्कूल में बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई। फिर आप अपने टीचर्स भी अपॉइंट कर लिए, होम ट्यूशन अगर आप ले रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, तो किस टीचर से आप पढ़ोगे, तो लेट इट बी दिस इज इन स्टाफिंग, राइट? तो आपने जो भी ये पूरा प्रोसेस किया और टीचर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है, डायरेक्शन भी आपको मिल गई। अब प्री बोर्ड, जो कि बोर्ड से पहले आता है,
उसमें आप ये स्टेप करोगे, दैट इज व्हाट कंट्रोलिंग, यानी आपने जो गोल अचीव सोचा था कि आप गोल अचीव करोगे बोर्ड में, अब आप उसको चेक भी करना चाहते हो कि यार वाकई में मेरी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं बहुत ज्यादा डेविएट कर रही हूं अपनी परफॉर्मेंस से, राइट। तो आप प्री बोर्ड में अपने मार्क्स देखोगे, और अगर लेट इट भी आपने सोचा था कि मैं 85 जो है परसेंट मार्क्स लूंगी, और अगर आपके बोर्ड में 60 आ रहे हैं या 50, प्री बोर्ड में 50 या 60 आ रहे हैं, तो यहां पर आपको जरूरी लगता है कि रीथिंक करा जाए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से देखिए क्या कमी रह गई है, क्योंकि प्री बोर्ड और बोर्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक डेढ़ महीने का आपका फर्क है अगर आपके दिसंबर में हुए हैं तो, राइट, और अगर आपके जनवरी में हो तो और भी कम टाइम है हमारे पास, तो हम उसे रीथिंक करते हैं और इसे कंट्रोलिंग बोलते हैं, यानी जब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी चल रही है उसे आपने जो स्टैंडर्ड तय किया था, जो आपने सोचा था जब आपने 12th स्टार्ट करी थी, उसे स्टैंडर्ड तय करना बोलते हैं, प्लानिंग स्टेप, तो जो आपने प्लानिंग में सोचा था, कंट्रोलिंग उसे पीछे की तरफ मुड़कर चेक कर रही होती है कि वाकई में आपकी परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही, और अगर नहीं चल रही तो फटाफट से क्या करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है, क्या कमियां हैं, तो आपने वो रीजन ढूंढने शुरू करने हैं, जो कि हम आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस में आगे समझाएंगे कि आप उनके रीजन ढूंढेंगे कि शायद मैं फोन में थोड़ा ज्यादा देर लगी रहती हूं, और मैं थ्योरी सब्जेक्ट को ज्यादा करती हूं, न्यूमेरिकल को कम करती हूं, तो कुछ रीजन आप ढूंढोगे और उन रीजन पर आप लोग काम करना शुरू करोगे, ये होता है कंट्रोलिंग का फायदा। वैसे कंट्रोलिंग में क्या है, आप रीचेक करते हो कि जो भी आपने सोचा था क्या वाकई में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस वैसी चल रही है या नहीं चल रही, और अगर नहीं चल रही तो कैसे उसको इंप्रूव करा जाए। बोर्ड से पहले ही आप देखिए कंट्रोलिंग कर सकते हैं, अगर आप बोर्ड का पेपर देकर आने के बाद कंट्रोलिंग करेंगे तो उसको कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेसिकली कंट्रोलिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आप ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग यानी चेकिंग का देख सकते हैं, कैमराज लगे होते हैं, तो कैमरा का जो पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन में वो यही है कि वो अपने इंप्लॉइज पर एक तरीके से एक चेक रखे कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड उनको दिए गए हैं और जो काम उनको दिया गया वो उस काम को करें, रादर देन आपस में बातचीत करके टाइम पास करें, ठीक है। तो आई होप कंट्रोलिंग का मीनिंग हमें क्लियर हो गया, और कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है चेकिंग करना या कंपेयर करना कि जो आप अभी हो और जो आपने सोचा था उसमें कितना ज्यादा गैप है। गैप दोनों तरीके के हो सकते हैं, डेविएशन दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपकी परफॉर्मेंस जितनी आपने सोची थी उससे अच्छी है तो भी आप उसका रीजन देखेंगे, लाइक आपने अभी सोचा था 85% लाने और आपके आ रहे हैं प्री बोर्ड में 90 या 87, तो आप उसके रीजन भी ढूंढिए ताकि आप ये एनालाइज कर सके कैसे हम उन चीजों को रिटेन करके रखें फ्यूचर में, ताकि बोर्ड में हम और अच्छा कर सके, राइट। तो चलिए कंट्रोलिंग का मीनिंग देखते हैं। कंट्रोलिंग अपने आप में एक प्रोसेस है दैट कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड। नाउ ये स्टैंडर्ड कहां तय कर रहे थे आपने, प्लानिंग के अंदर। तो कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आप कभी काम कर रहे हो उसको चेक करा जाता है आपके स्टैंडर्ड के साथ। फिर ये जब कंपेयर करा जाएगा तो डेविएशन मिलेंगे हमें, डिफरेंस मिलेंगे। डिफरेंस नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी अगर आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्चुअली में कंपनी ने सोचा था कि आप साल में 800 यूनिट बना लोगे और आपने साल के खत्म होने से पहले पहले तक अभी सिर्फ 600 यूनिट बनाई है और आपके 11 महीने बीत चुके हैं, तो ऐसे केस में यहां पर जो डेविएशन आ गया है इस डेविएशन को कैसे ठीक करा जाए उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। तो आप देख सकते हैं फाइंडिंग आउट डेविएशन, If any, अगर deviation है then taking the necessary corrective action to prevent the recurrence of these deviations, यानी ये दोबारा ना हो। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्रोसेस को ही यहां पर डिफाइन करा गया। कंट्रोलिंग अपने आप में एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें यही करा जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का कंपेयर करा जाता है, जो डेविएशन होते हैं उनको ढूंढा जाता है और उनको एनालाइज करने के बाद नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं ताकि इस तरीके की गलतियों को हम दोबारा ना करें, राइट, रेकरेंस ऑफ दीज डेविएशंस। चलिए देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। इट इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को रीचेक करके और कंपेयर कर रहे हो तो आप ये चाहते हो कि जो गोल आपने सेट किया था वो सच में अचीव हो, और अगर आप ऐसी कोई कंट्रोलिंग नहीं कर रहे, आप कंपेयर नहीं कर रहे हो प्री बोर्ड में क्या आ रहे हैं और आप एक्चुअल में क्या लेकर आओगे, तो आप शायद अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ पाओ, राइट। प्लानिंग में भी यही फीचर आपको देखने पड़ेगा, इट्स अ गोल ओरिएंटेड, मतलब इफ देयर इज नो गोल देयर इज नो प्लानिंग, सिंपल। इफ देयर इज नो गोल ना देयर इज नो कंट्रोलिंग। तो अगर गोल है और हम उसे लिटरली अचीव करना चाहते हैं तो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि उस पर हमारे को रीचेक करके अगर हम कहीं गलत हैं तो उसको सुधारा जाए और हम उसे टाइम से पहले ही क्या कर सके, ठीक कर सके। तो आपके पास जो कंट्रोलिंग है इट्स अ गोल ओरिएंटेड फंक्शंस, राइट।
सेकेंड है इट्स परवेसिव. परवेसिव मीन्स होता है ये हर जगह है, यानी अगर आप बात करेंगे कंट्रोलिंग की तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी चेकिंग होती है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में भी चेकिंग होती है, टेम्पल्स में भी आप कैमरा देख सकते हैं आप लोग की सबसे जो भी डोनेशन कलेक्ट हो रही है वो डोनेशन सही जगह इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही है और सही तरीके से सब चीजें हैं या नहीं है. तो आप अगर बात करेंगे कंट्रोलिंग की तो कंट्रोलिंग हर जगह होती है, हर जगह ये चेक करा जाता है कि जो स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं क्या आप वो स्टैंडर्ड अचीव कर रहे हैं या नहीं. आपके पेरेंट्स लगातार आपके टेस्ट से आपके टीचर से बात करते रहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं. तो दिस इज द टाइप ऑफ कंट्रोलिंग. ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होगा वो आपके रिजल्ट पूछता रहेगा, आपने टारगेट अचीव कितना कर लिया, आपने प्रोडक्शन कितनी कर ली. तो ये जो सारी चीजें हैं डियर, ये शो करती हैं कि कंट्रोलिंग सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता. अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि आप खुद भी जो है अपने घर में अपने पेरेंट्स से कंट्रोलिंग देख रहे हैं. इवन आप एक बात बताइए, जो मदर हैं उनको जो महीने का फंडिंग मिलता है उनकी प्लानिंग होती है कि उस फंड को हम कैसे खर्च करेंगे ताकि हमारा पूरा मंथ ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड हो जाए. तो जैसे मंथ खत्म होने वाला है और आपने जो सोचा था कि मैं इतना सेव कर लूंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको उसके रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इस महीने जितना मैंने सोचा था वो सेविंग नहीं हुई. तो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, यानी कंट्रोलिंग आपको हर जगह देखने को मिलती है, राइट. उसके बाद थर्ड फीचर है इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग. दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि कंट्रोलिंग को अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जो अभी परफॉर्मेंस है उसको उस परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है जो आपने प्लानिंग में तय करी है. और कंट्रोलिंग से पहले ही प्लानिंग हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग. तो कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड देखने पड़ते हैं और वो आपने कहां तय करे थे? प्लानिंग में. दैट्स व्हाई कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड लुकिंग, ठीक है. उसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है. एक बात बताइए, आपने आज अपनी परफॉर्मेंस को चेक करा और ये देखा कि मेरी ये गलतियां रही जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाई. अब कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है? क्योंकि जो नया प्लान आप बनाओगे प्रीबोर्ड के बाद, आप नई चीज बनाओगे, या फिर आप ये मान लीजिए कि 11th में आपने जो परसेंटेज सोची थी वो आप अचीव नहीं कर पाए, तो 11th में आपने जो चेकिंग करी अपनी परफॉर्मेंस की, अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से, और उसके रीजन ढूंढे. अब आप जो 12th के लिए प्लानिंग बनाएंगे, यानी फॉरवर्ड लुकिंग देखिए, अब जो नया प्लान बनाएंगे उसमें जो पीछे की गई कंट्रोलिंग है वो आपको मदद करेगी. यानी फ्यूचर के जो प्लान्स बन रहे हैं, फ्यूचर के जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, उसके अंदर पिछली गलतियों से आप लोग सीख लेंगे. तो जनरली होता है, आपको पता है. तो इसीलिए प्लानिंग जो कंट्रोलिंग है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि फ्यूचर प्लान बनाने में मदद करता है, और बैकवर्ड लुकिंग क्यों है? क्योंकि जो आपने प्लानिंग में स्टैंडर्ड तय करे थे उसी के साथ कंट्रोलिंग में रीचेकिंग करी जाती है कि आप उसे अचीव कर पा रहे हैं या नहीं. लास्ट है, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. यस डियर, कंट्रोलिंग आपको लगातार चाहिए. अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कहीं पर भी बात करते हैं, जहां पर भी रीचेकिंग होना कम हो जाता है या रुक जाता है, वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं. आप खुद देखें कि अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेसमैन है जिसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं और उसने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में वो नहीं जा सकता, तो अपने मैनेजर अपॉइंट कर रखे हैं, ब्रांच मैनेजर. अगर कोई भी ऑनर उस ब्रांच मैनेजर को विजिट नहीं करता रेगुलरली, चाहे वो एक महीने में विजिट करता है या जब मर्जी विजिट करता है, अगर वो विजिट नहीं करता तो वहां पर आपको मनी से रिलेटेड फ्रॉड्स या और फ्रॉड्स आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे. तो कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है. सिमिलरली अगर आप बताइए, आपके पेरेंट्स आप पे रीचेक ना रखें, बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो और चीजों में ध्यान है उनका, अगर उनके पेरेंट्स का कंट्रोल ना हो, या अपन पेरेंट्स उनके मार्क्स के बारे में ना पूछें, या टीचर से वो बातचीत ना करें, या ऐसी पेरेंट टीचर्स मीटिंग ना हो, तो ऐसा कोई डर नहीं रहेगा उनको, और ऐसे केस में शायद उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिले. तो एक डर आपको कंट्रोलिंग बनाती है जो कि आप अपने लिए समझ सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, राइट. तो ये चार फीचर्स हो गए हमारे पास कंट्रोलिंग के. उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्रोलिंग, चाहे किसी के भी द्वारा आपके ऊपर कंट्रोलिंग करा जाए, यानी आपकी परफॉर्मेंस को लगातार बताया जाए कि यार आप तो इतना कर सकते थे, आपने तो इससे कम परफॉर्म किया, राइट. तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कंट्रोलिंग आप पे लगी रहे. तो आप देखिए, फर्स्ट इट हेल्प टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. डेफिनेटली आप देखिए, अगर आप कंट्रोलिंग करते हैं प्री बोर्ड में, यानी अपनी परफॉर्मेंस को आप प्रीवियस ईयर सॉरी जो प्रीवियस ईयर कह रही जो स्टैंडर्ड है आपने उसे कंपेयर करा और आपने पाया कि आपने ये गलतियां करी हैं जिसकी वजह से आपने जो सोचा था वो परफॉर्म आप नहीं कर पाए, तो आप देखिए कि अब आप वो गलतियों को सुधारेंगे एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर और कोशिश करेंगे कि आप अपना गोल अचीव कर सके. तो कंट्रोलिंग का जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर आप कुछ भटक रहे हैं बीच में अपने गोल तक पहुंचने में, तो उसी टाइम आपको वो सही रास्ता दिखाकर उस गोल की तरफ मोड़ देना. तो इट हेल्प इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. द सेकेंड वन, इट जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड्स. एक्चुअली क्या होता है कि जब आप कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो आपने जैसे फिर कोई बात है कि आपने जो प्लान कर लिया अपने लिए स्टैंडर्ड तय करा 85%, आप आज तक भी बड़े घसीट घसीट के पास हो रहे थे,
33 40 बड़ी मुश्किल से आ जाते हैं। तो आप देखिए यहां पर आपने अपनी केपेबिलिटी से बियॉन्ड स्टैंडर्ड तय करा है। और ये आपको कब पता चलेगा, जब आपके प्री बोर्ड में 30 या 24 नंबर आते हैं और आपको पता चलता है भाई ये तो मैंने स्टैंडर्ड ही गलत तय कर लिया, मेरे तो बस की बात नहीं है 85 लेना। तो कई बार कंपनी भी मैनेजर के सामने कुछ ऐसे टारगेट रख देती है जो उसके लिए फिजिबल नहीं होते, राइट। चाहे आप पैसे की टर्म्स बात करो कि कंपनी ने ये टारगेट तो रख दिया उसके सामने लेकिन कंपनी उसको फंडिंग नहीं देती, या फिर कंपनी ने उसको इतनी पावर्स नहीं दी कि वो आपके लिए अचीव करके दे सके। तो कई बार स्टैंडर्ड तय करने में भी गलती हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कोई एक चीज है कि आपने ये काम, ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में कंप्लीट करना है, आपको ऐसा दे दिया गया, लेकिन ये बात शायद उस पर्सन को भी पता थी कि इतने काम के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में कई बार कंट्रोलिंग के टाइम पर ये पता चलता है कि दिस इज नॉट विजिबल टू डू दैट स्टैंडर्ड विद इन दैट टाइम। जैसे एक एग्जांपल है कि हमें पता है कि जो एक अकाउंट्स का पेपर होता है वो बहुत लेंदी पेपर होता है 12th का, और बहुत सारे बच्चे, इवन आप 70% बच्चों की बात करोगे तो वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर यही बोलते हैं कि मेरा एग्जाम छूट गया। इवन इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी यही बोलता है। तो अगर मैं यहां पर किसी बच्चे को कहती हूं कि आप वही पेपर जो है 2.5 घंटे में करिए, तो आप समझ रहे हैं, तो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर आप जो स्टैंडर्ड आपने सोचा था कि 2.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट करेंगे, जो 3 घंटे में नहीं कंप्लीट होता वो 2.5 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा। तो ऐसे में आपके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं कई बार उनकी भी एक्यूरेसी चेक हो जाती है कि कहीं वो गलत तो नहीं, आपने कहीं आपने ओवर तो एस्टिमेट नहीं कर ली अपने स्टैंडर्ड्स, अपनी परफॉर्मेंस से बियॉन्ड जाकर। तो एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है। थर्ड, मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। मतलब अब ठीक है कैमरे लगे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर कैमरे ना लगे हों तो ज्यादातर ऑफिशियल्स क्या कर रहे होते हैं, आपस में बैठ के बातचीत कर रहे होंगे, अपने घर की बात कर रहे होंगे। अब कैमरा लगा हुआ यार, वो देखो कैमरे से ना बॉस देख रहा है, तो यार मेरे को काम करना है। तो यहां पर क्या हुआ कि वो जो टाइम था, जितना टाइम उनको ऑफिशियल वर्क के लिए दिया गया, वो वेस्ट होने से बच जाता है, राइट। और खुद उनकी एबिलिटी भी काम करने की इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो कंट्रोलिंग होती है, और जैसे आप पेरेंट्स आपके पूछ लेते हैं कि अजी आपके कितने मार्क्स आए, आपके ट्यूशन लगा रखे हैं जी सारे साल से और आपके कितने मार्क्स आए हैं बीएसटी के अंदर, तो उन्होंने आपसे मार्क्स पूछे तो भाई क्या कर रहे हो तुम, पूरे साल से ट्यूशन लगा रखी है तुम्हारी और तुम्हारे मार्क्स उसके अकॉर्डिंग नहीं आए। तो वो जो कंट्रोलिंग होगी ना, वो जो डर होगा, फिर वो आपके ट्यूशन टीचर के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई ये तो स्कूल में रिजल्ट ही नहीं ला रहा, ये तो पास भी नहीं हो रहा और आपके पास हमने पूरे साल ट्यूशन लगाई है। तो आप देखिए कि उस कंट्रोलिंग का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो ट्यूशन वाले भी उसका बार बार टेस्ट लेना शुरू कर देंगे और वो भी थोड़ा सा समझ जाएगा, क्योंकि अब यहां पर क्या हो गई है रीचेकिंग। तो क्या होता है कि आपके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो वेस्ट होने से बच जाते हैं, अगर आप बात करते हैं कंट्रोलिंग की, ठीक है। उसके बाद एंश्योर ऑर्डर और डिसिप्लिन। अगर चेकिंग होती रहती है तो ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और ब्लेम गेम खेलने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है और बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि कौन गलत काम कर रहा था, कौन सही काम कर रहा था, कौन कितना काम कर रहा था। उसके बाद इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब आपको इस बात का डर रहता है कि आपकी परफॉर्मेंस को रीचेक करा जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, तो ये आपको एक नेगेटिव मोटिवेशन देता है, इसको बोलते हैं डर आपके अंदर। और उस डर से, या आप कह सकते हो उस नेगेटिव मोटिवेशन से, आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हो, राइट। क्योंकि आपको एक डर है कि आपकी परफॉर्मेंस को रीचेक करा जाएगा और फिर पूरे क्लास में आपको बताया जाएगा कि आपके नंबर इतने हैं, तो इस डर से कि यार पूरी क्लास में बोला जाएगा, तो आप डर के मारे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हो कि यार बेइज्जती हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो इंप्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। उसके बाद लास्ट है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। तो क्या होता है कि यहां पर सभी डिपार्टमेंट्स जो है उनको पता है कि एक दूसरे से बातचीत करनी जरूरी है, एक दूसरे के साथ लगातार कम्युनिकेशन करना जरूरी है, सिंक्रोनाइज करना जरूरी है, तभी काम ठीक से हो सकता है। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है और ये कंट्रोलिंग की मदद से बहुत आसान हो जाता है, हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। तो ये था आपके पास कंट्रोलिंग का मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके पास आएगी जिसमें हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो इसका प्रोसेस है, उसमें से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ के साथ एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो प्रिया थापर नाम से और विभा क्लासेस के नाम से दो आपके पास इंस्टाग्राम है, उनको आप जाकर जो है वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।